कोरोना के चलते दो साल से बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रविवार से शुरू हो गई। 40 देशों के लिए 6 भारतीय और 60 विदेशी एयरलाइंस के विमानों की उड़ानें शुरू होंगी। भारत से 3,249 वीकली फ्लाइट उड़ेंगी, लेकिन इनमें से चीन के लिए एक भी फ्लाइट नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विमान से सीटें खाली छोड़ने और पीपीई किट पहनने जैसी सभी पाबंदियां हटा दी हैं। सिर्फ मास्क पहनना जरूरी रहेगा। बता दें कि दो साल बाद फिर शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कोविड की पहली लहर के साथ ही रोक लगा दी गई थी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली और दमन क्षेत्र के चेयरमैन जितेंद्र केजरीवाल ने बताया कि लोगों ने इंटरनेशनल बिजनेस और एग्जीबिशन ट्रैवल करना शुरू किया है। भारत में इस वक्त यूरोप हॉलीडे सीजन है। मिडिल ईस्ट में आरटीपीसीआर टेस्ट और एक दिन क्वारंटाइन जरूरी होने से लोग वहां जाने से बच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।